हरियाणा सरकार का हिटलर शाही रवैया, खट्टर साहब के प्रदेश के अंदर किसान को धरना नहीं कर रहे, वहां से गुजर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस को एक्शन लेती अलग बात थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री इतने अग्रेसिव क्यों होंगे किसानों के प्रति? पहले बीजेपी की सरकार 3 काले कानून लेके आई, किसान विरोधी कानून जिसका पूरे देश के अंदर विरोध हुआ, उनकी फसल को गिरवी रख दिया अडानी और अंबानी जैसे अपने व्यापारी मित्रों के यहाँ, और आज किसान की आवाज भी बंद कर देना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रदर्शन करना चाहते थे। अगर ग्राउंड के अंदर एक संख्या ज्यादा होती है वहां पे पुलिस अपना मैनेजमेंट करे, बैरिकेडिंग हो सकता है किसानों ने अलग अलग बैठने का तय किया हो कि 50 से ऊपर नहीं बैठेंगे एक जगह और अपना बैरिकेडिंग लगा के ग्रुप्स के अंदर बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे, परंतु इस तरीके से वाटर कैनन उनके ऊपर चलाना, लाठियां करना, बॉर्डरों पर रोक के रखना, आम जनता भी घंटों घंटों परेशान है और किसान को तो अंदर घुसने ही नहीं दे रहा। मैं अभी गुड़गांव की तरफ से आया हूं तो ऐसा लगा कि पूरी छावनी बना दी है। ऐसा व्यवहार किसानों के साथ मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, दुनिया के किसी देश के अंदर नहीं देखा कि उनको अपनी आवाज को कहने से भी रोका जाए। अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन ये 3 अध्यादेश लेके आए थे और फिर उनको कानून की शक्ल देके पार्लियामेंट के अंदर गैर कानूनी तरीके से पास किया, उस दिन से पहले से ही किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। इस तरीके से किसानों के ऊपर जबरदस्ती होना, आम आदमी पार्टी इसका घोर निंदा करती है, इस बात का विरोध करती है, क्योंकि किसान ही इस अर्थव्यवस्था को बचाए हुए था। कोरोना के दौरान सब कुछ तबाह हो गया था, उस बीमारी की परवाह ना करते हुए किसान ने दिन रात खेत के अंदर मेहनत की। जब हम लोग घरों के अंदर बंद थे तब किसान खेत के अंदर काम कर रहा था और यही वजह थी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कुछ बच पाई। उस पे भी इन व्यापारी घरानों की नजर लगी और उसी जल्दबाजी में कोरोना के बीच अध्यादेश लेके आए, कोरोना के बीच के अंदर कानून बना, बिना वोटिंग के कानून बना। जब राष्ट्रपति जी से अपील की गई कि गैर संवैधानिक तरीके से कानून बना है, राष्ट्रपति जी ने भी उस पर विचार नहीं किया और जल्दबाजी के अंदर उस पर हस्ताक्षर करके कानून की शेप दे दी। सुप्रतिशत तानाशाही है, किसान यूनियनों से बात होनी चाहिए थी। जब अध्यादेश आया उसका विरोध पूरे देश के अंदर हुआ तो कानून इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत थी? कानून बनाने से पहले किसानों के साथ बैठते और फिर कानून को रातों रात लोकसभा में, रातों रात राज्यसभा में गिनती ना होने के बावजूद भी बिना वोटिंग कराए पास करना क्यों? ऐसा तो देश का कानून पहले कोई नहीं बना जिसपे एक भी सांसद वोटिंग की डिमांड करता है तो वोट होती है। सैकड़ों सांसद गांधी जी की प्रतिमा से लेकर अंबेडकर जी की प्रतिमा तक परिक्रमा लगाते रहे कि देखिए इस देश के अंदर क्या हो रहा है, परंतु सरकार ने एक बार भी पुनर्विचार की बात आज तक नहीं की और ना ही किसानों से बात करते। सर, विंटर सेशन भी इस कभी फाइनल नहीं है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो अभी होगा या नहीं होगा, आगे का जो कार्रवाई है वो भी रुकी हुई है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संसद तो विंटर सेशन इनको कॉल करना ही पड़ेगा, 2 दिन पहले करें या बाद करें, और ये मुद्दा संसद के अंदर फिर दोबारा जोर शोर से उठेगा, क्योंकि किसानों के साथ इस तरीके से अत्याचार करना, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर वाटर कैनन करना, बैरिकेडिंग लगा के उनको रोक देना, पुलिस के डंडे के जोर पे उनको हरियाणा में ना घुसने देना, पुलिस के डंडे के जोर पे दिल्ली में ना घुसने देना, मैं समझता हूँ कि आने जाने पर पाबंदी तो कहीं भी नहीं है।